अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। एक या दो दिन के बाद ईद उल फितर आने वाली है और एक हफ्ते से अगर देखा जाए तो एक हफ्ते से ही बाजारों में जोशो खरोश है। लोग एक हफ्ते से ही बाजारों में खरीदो फरोख्त में मसरूफ है, चाहे हम मर्द हजरात की बात करें, हम छोटे बच्चों की बात करें या खवातीन की बात करें। अक्सर अगर हम देखेंगे तो ईद की शॉपिंग जो है वो खवातीन करती है और इस बाजार में इस वक्त हम मौजूद है, गनी खान बाजार में हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ है जो कि ईद की खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। सब अपनी मनपसंद चीजें खरीदने में मसरूफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जानना चाहूंगा। मंजूर कार। एक या दो दिन के बाद ईद उल फितर है, आपकी शॉप है गनी खान गली में, तो जानना चाहेंगे कि कैसी खरीदो फरोख्त हो रही है लोगों की? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर देखेंगे कल से लोगों की अच्छी खासी भीड़ मार्केट में है, क्योंकि कल तो इतवार की छुट्टी होती है, बच्चों या स्कूलों की छुट्टी, कॉलेजों की छुट्टी, इस तरह कल बहुत ज्यादा भीड़ थी। आज भी वैसी भीड़ है मार्केट में, पैर रखने की जगह नहीं है, मगर इस भीड़ में सारे के सारे कस्टमर तो नहीं होते है। ये भी देखना है हमें कि ये सारे कस्टमर नहीं होते, बहुत से लोग जो मार्केट ईद की खुशियाँ या ईद का वो जोश खरोश मार्केट में देखने आते हैं, उनकी तादाद ज्यादा है, कस्टमरों की इतनी नहीं है। फिर भी जो भी काम है तो काम है, क्योंकि इस वक्त जो लोगों के इकसादी जो क्रंच है कि आम इंसान के पास उतनी बजट नहीं है, मंथली उनके पास बजट नहीं होता है, और इस तरह से वो ईद के ऊपर जो खरीदारी करे वो शौक से तो खरीदारी नहीं करे। ज्यादातर मानों की खरीदारी जो हो रही है बच्चों को तवज्जो ज्यादा दिया जा रहा है, तो इस तरह से वो जो शौक से या बड़ी हर्षोल्लास से खरीदारी होती थी वो नहीं है, तो मानो की खरीदारी तो हो रही है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस हाजी साहब, अगर देखेंगे तो वो लगभग एक हफ्ते से ही बाजारों में लोगों की आमदरफ्त है, क्या कहना है उस हवाले से? एक हफ्ते से, पिछले एक हफ्ते से तो मार्केट में तो रौनक है, जो ईद का जो वलवला है, जो खुशियाँ है, जोश खरोश है, वो तो साफ दिखने में आ रहा है। लोगों के चेहरे पे भी मुस्कान है, अच्छे से तो दिख रहा है, ईद की खुशी में शामिल हो रहे हैं। अब जो खरीदारी जिस मतलब तवकात पे अगर नहीं उतर रही है, मगर फिर भी खरीदारी हो रही है बाकी मार्केट के नस्बत इस गुनखत बाजार के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमने खुसूसी तौर जो बच्चों के सजने संवरने के लिए या जो टीनेजर्स है उनकी जो लेटेस्ट चॉइस है वो दस्तियाब रखे, मार्केट को अच्छे से सजाया है। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के नहीं बल्कि वैली के सारे डिस्ट्रिक्ट के कस्टमर यहाँ के, तो अच्छी बात है। तो भीड़ बहुत है, अभी इतनी सारी भीड़ में तो सारे कस्टमर नहीं है, बहुत से लोग मार्केट में जोश खरोश देखने आते हैं। चूँकि आप एक सीनियर दुकानदार है तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किन की भीड़ ज्यादा रहती है, मर्दों की या औरतों की या बच्चों की, ज्यादा कौन खरीदो फरोख्त करता है? इस मार्केट में अगर देखें, ये मार्केट तो मखसूस हमारी बहन भाई जिसको हम लेडीज मार्केट कहते हैं, क्योंकि लेडीज के साथ अटैच तो बच्चे तो होने लाजमी है। यहाँ बच्चे और लेडीजों की अच्छी खासी भीड़ होती है और अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं की वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत गहमा गहमी भी दिखती है, और ये इस तरह से जो ईद का जो आने वाले ईद का जो खुशियाँ वो नजर आ रही है। मार्केट इस वक्त अच्छे से चल रहा है, क्योंकि अगर काम जो है तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह काम है, थोड़ा बहुत काम है तो अच्छे से। एक साल के लिए अब माह रमजान हमसे अलविदा हो रहा है, क्या माह रमजान को याद करेंगे? इंशाल्लाह रमा कल। अब तो ये एक बात तो है कि अब माह रमजान का मुतबरक महीना हमसे जो अलविदा ले रहा है, हमें रुखसत हो रहा है, हमें चाहिए कि इस महीने की जैसे हम की जहन में रखते हैं कि इस महीने हर चीज को संभाल के करना है, अच्छे से करना है, ये करना है, परहेजगारी करनी है, मगर ये तो एक लेसन है। अब इस लेसन को हमें पूरे 11 महीनों के लिए भी याद रखना है कि हमें आगे चल के पूरे साल को उसी तरह से कि अपने आप को इंसानियत के दायरे में, इखलाकों के दायरे में, या जो हमारे जो इस्लाम अल्लाह की तरफ से अहकाम इलाही है उन अहकाम इलाही के पाबंद रह के इंसानियत के खातिर, अपने आप के खातिर और आखिरत के खातिर अच्छे से काम करने। तो नाजानो मुश्ताक अहमद खान, तुष्यत गनी खान गली मज तुहद शॉप तो ईद वाजिन, क्या बासान क्या खरीदो फरोख्त लुकन? माशाल्लाह, पहले हमें शुक्रिया करना चाहिए ऊपर वाले का कि इस बार कोई महामारी नहीं है, मौसम भी अच्छा है और लोग भी बाहर आ रहे हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अब से ये ईद आ रही है, त्यौहार आ रहा है हमारा, तो लोगों को चाहिए कि इसमें मतलब थोड़ी सी बढ़ती वो एहतियात करे वो, और साधारण तरीके से ही ईद करे से, और ऐसी कोई बिदत ना बनाए जो कि बिदत बनते रह जाए, उन बिदतों को कम करना है। एक साधारण तरीके से ईद बनानी है, अच्छा त्यौहार है, अभी कैसी खरीदो फरोख हो रही है, लोग आ रहे हैं खरीदो फरोख के लिए? बहुत अच्छी तरह से जोक दर जोक आ रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि मौसम भी अब खुशगवार हो गया, माहौल भी खुशगवार हो गया, सो उसकी वजह से सब आ रहे हैं और साधारण तरीके से ही शॉपिंग भी कर रहे हैं।